बच्चों तुहाडा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनकलूजिव एजुकेशन च। अज आपां सत्तवीं जमात का तीसरा पाठ फसलों लई लोड़िंदे खुराकी तत् दे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करन जा रहे हैं। इस पाठ पुस्तक के प्रश्न उत्तर तुहानू पहले ही मैं पिछले वीडियो भेज चुका, तुसीं प्लेलिस्ट च उसनू वेख सकते हो। उसदे डिस्क्रिप्शन के लिंक में PDF का लिंक डाउनलोड करके तुम ऑफलाइन उन्होंने प्रश्न उत्तरों को अपनी कापियां दे भी उतार सकते हो। बच्चों जेकर अजे तक तुम इस चैनल में सबसक्राइब नहीं किया, चैनल में सबसक्राइब करके बैल आइकन बटन जरूर दबो ता जो हर नवी वीडियो का नोटिफिकेशन तुम सब तो पहले मिल सके। तो अपने दूसरे साथियों भी ये वीडियो जरूर शेयर करो, चैनल सबसक्राइब कराओ ता जो तुम सारे ये वीडियो मिल सके। पहले आप बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न करांगे, जिहड़े कि एक नंबर के प्रश्न होंदे ने। पौधे के जरूरी खुराकी तत्तां की गिनती किन्नी है? पौधे के जरूरी खुराकी तत्तां की गिनती 17 है। बूटियां का रंग किस तत् कारण गोड़ा हुंदा है? बूटियां का रंग नाइट्रोजन क्लोरोफिल का जरूरी अंग, इस नाल पौधों का रंग गोड़ा हरा हो जाता है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल के नाल बूटियां का रंग गोड़ा हुंदा है। कुछ तत्तां दे नां दसो जो जरूरी तत् तां नहीं पर फसलां दे झाड़ विच वाधा करन लई इन्हां दी होंद जरूरी है। अजिहे तत् हन सोडियम, सिलिकॉन, फ्लोरीन, आयोडीन, स्ट्रासियम अते बेरियम। बच्चों ये जरूरी तत् ते नहीं हैं पर फसलां दे झाड़ च वाधा करन च बहुत ही सहाई हुंदे हन। पौधे च किन्ने तत् हुंदे हन? पौधों में तत्तों की गिनती 90 या इस तो भी वध होंदी है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स की वरतों ठीक ढंग नाल करन विच किहड़ा तत् सहायक है? बच्चों पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स की वरतों ठीक ढंग नाल करन विच नाइट्रोजन जिहड़ी सब तो वध सहायक होंदी है। सूखम या लघु खुराकी तत् की हुंदे हन? पौधों में कुछ खुराकी तत्तों की लोड़ घट मात्रा में होंगी है, अजे तत्तों को सूखम या लघु खुराकी तत् कहते हैं। फिर अगला प्रश्न, लघु खुराकी तत् किन्ने हैं? लघु खुराकी तत् गिनती में 8 हैं। किस तत् की घाट कारण पौधे छोटे रह जाते हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी नाल पौधों का कद छोटा रह जाता है। एंजाइमा नूं किहड़े तत् क्रियाशील बनाउंदे हन? लोहा, मैगनीज, जिंक, मालबिडम। तत् एंजाइमे दे जरूरी अंग हन जो बूटे विच ऑक्सीजन अते लघुकरण क्रिया लियाउंदे हन। फिर मैगनीजियम की घाट कारण पत्तियां दा रंग किहो जिहा हो जाता है? बच्चों मैगनीजियम की घाट नाल पत्तियां दा रंग हल्का हरा जां पीला हो जाता है। दो सूखम खुराकी तत्तों के नाम दसो। जिंक अते लोहा खुराकी सूखम तत् हैं। फलीदार फसलों लई हवा विचली नाइट्रोजन इकट्ठी करने लई किहड़ा तत् लाहेवंद है? फलीदार फसलों लई हवा विचली नाइट्रोजन इकट्ठी करने लई फास्फोरस तत् लाहेवंद है। फिर हुण जे प्रश्न इन्हां दे उत्तर आपां एक या दो लाइनां च देने ने, ये दो नंबर के प्रश्न होंदे ने। पौधों लई जिंक दे लाभ दसो। जिंक बहुत सारे एंजाइमां दा एक हिस्सा है जो बूटे दा वाधा तेज करदे हन, वधेरे स्टार्च अते हारमोनस बनन विच सहायक होंदे हन। जिंक दी घाट दे चिन्ह दसो। इस दी घाट कारण बूटियां दा वाधा हौली हुंदा है, बूटियां दा कद मदरा रह जांदा है अते क्लोरोफिल घट बनदा है। पत्तियां दा रंग नाड़ा विचकारों पीला पै जांदा है, भूरे रंग के दाग पै जाते हैं। मक्की विच जिंक की घाट का चिन्ह दसो। मक्की विच जिंक की घाट का चिन्ह तीजे या चौथे पत्ते तो आरंभ होंदे हैं। जदों बूटे के 5 या 6 पत्ते होन पत्ते उपर पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इस दी घाट नाल पत्तियां दी नाड़ा का रंग लाल या जामनी हो जाता है अते घाट के चिन्ह वधेरे पत्ते के अद्ध तो तने वल दे हिस्से ते होंदे हैं। वधेरे घाट होने की सूरत में तो बूटे मदरे रह जाते हैं। पौधे च पोटाशियम की घाट की निशानियों बारे दसो। पोटाशियम की घाट नाल पत्तियां का झुलसना
ਅਤੇ ਡੱਬ ਪੈਣਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨੋਕਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਾ ਹਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕੀ ਚਿੰਨ ਹਨ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਲਾਪਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਕ ਪੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੀਲਾਪਨ ਮੁੱਢ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੱਤਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਣੇ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾਟ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਫਰਸ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਫਰਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਾਭ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਵਧੇਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫੁੱਲ, ਫਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਾਸਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਸਫਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਇਨਕਲੂਜਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਾਠ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਦੇ ਕੁਛ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ PDF ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੋ, ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ? ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਜ਼ਿੰਕ, ਤਾਂਬਾ, ਬੋਰੇਨ, ਕੋਬਾਲਟ ਆਦਿ। ਪੌਦੇ ਇਹ ਤੱਤ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੂਟੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪੂਰੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਿੰਨ ਉਸੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਬੂਟੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ? ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਤਾਂਬਾ, ਬੋਰੇਨ ਅਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਆਦਿ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੱਤ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੱਤ ਸੋਡੀਅਮ, ਸਿਲੀਕੋਨ, ਫਲੋਰੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ, ਸਟ੍ਰਾਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਹਨ। ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਝੋਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਿੰਨ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
घाट के चिन्ह पुराने पत्तियां तो शुरू होंदे हैं। नाड़ा दे विचकारों पत्तियां दा रंग पीला या चिट्टा हो जाता है। पत्ते जंगाले ज नज़र आते हैं। बूटे मधुर रह जाते हैं अते सिट्टे देर ना निकलते हैं। फसल का झाट घट निकलता है। फिर पौद्यां लई गंधक दे की लाभ हैं? उत्तर, क्लोरोफिन बनने विच सहायक होंदे हैं। गंधक प्रोटीन अते एंजाइमां दा जरूरी अंग है। ये बीज बनने विच सहायक होंदी है। फलीदार फसलों दी जड़ां तो हवा दी नाइट्रोजन फड़न वालियां गंढां वधेरे बनदियां हन। फिर अगला प्रश्न, पौद्यां विच कैल्शियम दी घाट दी निशानियां बारे दसो। नवे पत्ते क्रुबलां अते डोडियां ते झुरड़ियां पै जांदियां हन। पत्तियां दी नोकां अते किनारे सुक जांदे हन। कई बार पत्ते मुड़े ही रह जांदे हन, पूरी तरह खुलदे नहीं। जड़ां छोटियां अते गुच्छेदार बन जांदियां हन। इस दी घाट कारण आलू विच होलो हार्ट रोग हो जाता है अते आलू अंदरों पोले रह जाते हैं। हुण आपां जिहड़े प्रश्न करने वड्डे उत्तरां वाले जिन्हां दे पंज नंबरां दे प्रश्न हुंदे ने, पहला पौद्यां दे लोड़ींदे भोजन तत्तां ते उहनां दे सौम्यां दा वेरवा दिओ। इक चार चप पेश करांगे, वधेरे मात्रा च लोड़ींदे खुराकी तत्त, दूजा पार जिहड़ा करांगे घट मात्रा च लोड़ींदे खुराकी तत्त। जिहड़े वधेरे हवा ते पाणी तो, दूजा भूमी ठोसां तो जिहड़े आपां नूं मिलदी है। उस तरह जिहड़ी घट मात्रा भूमि ठोसा तो जो प्राप्त होंगे खुराकी तत्त उन्होंने बारे गल करांगे। वधेरे हवा तो पानी तो जिहड़े कार्बन, भूमि ठोसा तो नाइट्रोजन ते घट मात्रा लोहा, वधेरे मात्रा हाइड्रोजन, भूमि ठोसा तो फॉसफरस ते घट मात्रा मैगनीज। फिर ऑक्सीजन वधेरे हवा ते पानी तो, पोटाशियम भूमि ठोसा तो ते घट मात्रा जिंक। फिर जो वधेरे मात्रा च भूमि ठोसा तो जिहड़ा अपना भोजन तत्त होंदे ने मैगनीशियम, तो घट मात्रा च तांबा। उस तरह वधेरे मात्रा वाला गंधक तो घट मात्रा च बोरेन। फिर कैल्शियम भूमि ठोसा तो वधेरे मात्रा च, तो भूमि ठोसा तो घट मात्रा च मालबिडनम। फिर उस तरह जी कोबाल्ट जिहड़ा आ भी घट मात्रा च लोड़ींदे खुराकी तत्त ने भूमि ठोसा तो प्राप्त होंदे ने। अगला, नाइट्रोजन फॉसफरस ते पोटाशियम के की लाभ हैं? सब पहले नाइट्रोजन के लाभ आप पढ़ांगे। पौद्यां ते पत्तियां दा हरा रंग इस तत्त के कारण ही हुंदा है। पत्तियां दा रंग गूढ़ा हो जाता है ते पत्ते चौड़े लंबे ते रसदार बन जाते हैं। पौद्यां दे फैलाव अधिक अते छेती हुंदा है। पौधे वधेरे चमकीले ते कोमल हो जाते हैं। फिर पौद्यां दी टाहणियां पतलियां ते नरम हो जांदियां हैं। हरा चारा वध जाता है। प्रोटीन की मात्रा वध जाती है। फिर फॉसफरस के लाभ, फसल जल्दी पकती है, दाना मोटे ते भारे होंदे हैं, अनाज की मात्रा तूड़ी नालों वध जाती है, पौधे की जड़ां काफ़ी वध फुल जाती हैं, पौधे के तने मजबूत ते पक्के बन जाते हैं ते फसल टहिंदी नहीं, रोग का टाकरा करने की शक्ति वधदी है, फलों का स्वाद मिठा होंदा है ते फल वड्डे हो जाते हैं, फसलों का झाड़ बहुत वध जाता है। फिर पोटाशियम के की लाभ ने? पोटाशियम नाल चंगी किस्म का फल तैयार होंदा है। ये तत्त तने नूं मजबूत करता है। पौधे च निशाशता ते खंड की मात्रा वध जाती है। फसलों में कीड़े ते रोगों का टाकरा करने की शक्ति वधदी है। नाइट्रोजन के असर नूं मध्यम करती है। पौधे काफ़ी समय लई हरे भरे रहिंदे हन। इस दी होंद विच पौधे दूजे तत्तां नूं चंगी तरह लै सकदे हन। पोटाशियम कार्बन चूस क्रिया लई जरूरी है। फिर फॉसफरस दी घाट दी निशानियां की? इस नाल फसल दा वाधा हौली अते कद छोटा अते फसल देर नाल पकदी है। फॉसफरस दी घाट दे चिन्ह हेठले पत्तियां तों शुरू हुंदे हन। पत्तियां दा रंग गूढ़ा हरा बैंगनी हो जांदा है, खास करके नाड़ा दे विचकारले हिस्से दा। कई बार पत्तियां दी डंडियां ते टाणियां दा रंग भी बैंगनी हो जाता है। फसल बोझा घट मारदी है। कणक च हेठले पत्तियां दा रंग पीला पूरा हो जाता है। फिर पौधे च लोहे दे लाभ अते घाट दे चिन्ह। लोहे दे लाभ की ने? लोहा वधेरे क्लोरोफिल बनने विच सहायक हुंदा है। ये एंजाइमां दा जरूरी अंग है जो बूटे च ऑक्सीजन अते लघुकरण क्रियावां लियाउंदे हन। फिर लोहा प्रोटीन बनने लई जरूरी है।
लोहे की घाट के चिन्ह की ने? लोहे की घाट के चिन्ह नवें पत्तिया कुरंबलों तो आरंभ होंगे ने। पत्तिया नाड़ा के विचकारले हिस्से का रंग पीला हो जाता है और पुराने पत्ते हरे रहते हैं। बूटे का कद छोटा और तना पतला हो जाता है। वधेरे घाट की सूरत में तो सारा पत्ता नाड़ा समेत पीला हो जाता है। नवें पत्ते बहुते पीले या चिट्टे हो जाते हैं। कई बार पत्तों उपर लाल भूरे रंग की लकीर पै जाते हैं, पत्ते सुक भी जाते हैं। फिर कणक मैगनीज के लाभ और इसकी घाट के चिन्ह बारे दसो। मैगनीज के लाभ एक क्लोरोफिल बनने मदद करता है, जिस तरह लोहे के दसिया सी। एंजाइमा का जरूरी अंग है जो ऑक्सीजन के लागूकरण की क्रियावें में तेजी लियाते हैं। बूटे के साह लैन और वधेरे प्रोटीन बनने मदद करते हैं। कणक मैगनीज की घाट के चिन्ह। इस फसल से मैगनीज की घाट के चिन्ह विचकारले पत्तियां तकरीबन पहला पानी लाने समय दिखाई देते हैं। घाट पहला पत्ते तो हेठा दे दो तिहाई हिस्से से सीमित रहती है। पत्तियां उपर बरीक स्लेटी भूरे रंग के दानेदार दाग पै जाते हैं। बहुत ही घाट होवे तां इह दानेदार दाग लाल भूरियां धारियां बन जाते हैं। पत्ते सुक भी जाते हैं। बूटियां दे कद अते जड़ां छोटियां रह जांदियां। सो बच्चो, इस तरह तीजे पाठ के तत्तां बारे जानकारी। इस चैनल जो अजे तक तुसीं सबसक्राइब नहीं किया, चैनल सबसक्राइब करो तो बैल आइकन दबना ना भुल्यो, ता जो हर पाठ या कोई भी तुहाडे विषय नाल संबंधित एग्रीकल्चर या होर जानकारी नाल संबंधित जिहड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं समय सिर मिल सके। धन्यवाद।